ओके गाइस, इस बार वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। ये कौन है, जानवर कौन है, ये ऐसे ही करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ न्यू वाटरफॉल इन महाराष्ट्र। वो यूजुअली ऑल द 12 मंथ्स रहेगा। एक्चुअली ये बिल्डिंग है जहाँ पे हम रह रहे हैं। सो दिस इज माई न्यू हाउस गाइस, सी दिस, टेक अ लुक एट दिस। इतना बड़ा है, ऊपर देखते जा सकते हैं। तो ही इज हिमांशु, क्या बोल रहा है, माइक गिर गया माइक। अयो गाइस, इसको थैंक यू बोलो, क्योंकि माइक गिर गया बोला उसने। ठीक है, थैंक यू हिमांशु। तो ये हिमांशु है जो हमको धोखा दिया, ये ट्रिप में आने वाला नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा हंसता है पर आता नहीं है। ये एक जानवर है, उसके बारे में देखेंगे। चलो गाइस, हमारा बाइक रेडी है, लेट्स स्टार्ट। टू वाटरफॉल नाम है कल मंदावी कुछ तो है, आपको मैं बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। चलो गाइस निकलते हैं। ये जाना जानवर, जल्दी जा। हर्ष है उसका नाम, तो उसको हम नहीं, मैं इसे बोलता हूँ, इस गुड बॉय। एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है गाइस मुंबई में। एक्चुअली अभी जस्ट बारिश सीजन चालू हुआ है क्या। चलो गाइस, नाउ आवर राइड स्टार्ट्स, ठीक है। हाँ, एक्चुअली आई थिंक आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ मंथ्स आई एम डूइंग व्लॉगिंग, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो ना, बारिश हुआ है और धूप भी है, तो उसका वो भी पल्सर है, ये हर्ष है ना, वो भी गाड़ी में, उसका टू व्हीलर में आ रहा है और हमारा टू व्हीलर में हम जा रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू पिक टू मोर गाइस, और वो लोग ज्वाइन करेंगे थाना से। अभी तो हम परेल में, मतलब मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में परेल एक जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, और दिस पीपल आर कॉलिंग मी। या बोलो उसका पल्सर 125 है। देखिए, ये जो बैठा है ना, वो आने वाला नहीं है, उसको कमर दुख रहे बोल रहा है, बैक पेन ही ऐसा ऐसा, बट वाह। हाँ ठीक है, चलो गाइस उनको पिक करके फिर करेंगे यहाँ से। एक्चुअली 35 किलोमीटर्स है थाना स्टेशन आएंगे वो दोनों, वहाँ से उनको पिक करेंगे। यूजुअली जो आते हैं शुभम, वो बहुत गुस्सा में है क्योंकि ना ये ट्रिप एक्चुअली इट वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 5 o'clock, पर अभी टाइम क्या हो रहा है बताइएगा 10:15 है इतना लेट हुआ तो गुस्सा हो गया, मेरा कॉल भी कट कर रहे वो लड़की भी इतना नहीं करते, वो उतना वो सेंसिटिव है अच्छा लड़का है, पता नहीं मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। चलिए गाइस माफ़ करेंगे, क्या बोलते हो, हाँ अच्छा बच्चा है अरे यार रोड बहुत गीला है इधर, स्किड हो गया तो सही करके मैं 10-15 मीटर तो मैं वैसे रोड पे चला जाऊंगा स्किड होके। आई थिंक हर्ष मेरे पीछे रहेगा गाइस, ये देखो ना एस्टन मार्टिन कितना अच्छा है ना, सी दिस, बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इधर लुकी एकदम जबरदस्त है। हाँ देखो, वो वीडियो भी निकाल, यू आर गेटिंग फेमस बॉय एस्टन मार्टिन, बहुत अच्छा गाड़ी है। हम लोग को पिक करने जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट होके कितना, सिर्फ 4 किलोमीटर आया गाइस, टाइम हो रहा है 10:30, ठीक है। एंड आज हम जाने वाले हैं कल मंदावी वाटरफॉल से, उसका नाम मैं ऑलरेडी बताया था शायद, वो महाराष्ट्र में ये मतलब मुंबई से 150 किलोमीटर्स डिस्टेंस है अराउंड, ठीक है। वो एकदम विलेज के एरिया इधर है, देखो ये मैं जानबूझ के ये गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ सो दैट आपको ये दिखा सकता है, अच्छा है ना, बड़े वो सही। हाँ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वो ऑल द 12 मंथ्स रहेगा, बारिश बोल रहा हूँ पागल वाटरफॉल्स ऑल द 12 मंथ्स रहेगा, और बारिश सीजन में तो वो और रिस्की रहेगा बोलते हैं, पता नहीं वो मेरे साथ आ रहा है या मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अगर मैं स्पीड में गया तो आपको मेरी बात सुनेगा नहीं, करके मैं स्लोली जा रहा हूँ। He is also maintaining at 55. Din hai sona aur chandi raat ban gayi, tum jo aaye
मैं क्यों ये गाना गा रहा हूँ जी? हाँ, कल ये बहुत रिप्ले हो रहा था मेरा म्यूज़िक प्लेयर में, इसीलिए ठीक है। अभी धूप है इधर, लेट्स सी वहाँ पे वाटरफॉल। मेरे को धूप का भी प्रॉब्लम नहीं, पर वो पानी में ना खेलना है गाइस, इसीलिए पानी के अंदर वो स्विम डाइव मार के स्विम करके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। अगर वो वीडियो सब अच्छा है तो ना डेफिनेटली दिखाता हूँ आप लोग को। जस्ट आई एम गोइंग टू एंटर कुरीला, कुरीला थाने स्टेशन। थाने में ही था पहले मैं, अभी तो परेल में ही। गाइस ये देखो, ये है थाने स्टेशन। एक्चुअली 11 बजे से वेट कर रहे थे, सपोज टू कम बाई 10:30, पर अब 11:30 हो रहा है, अभी तक नहीं आया। इसका हाल देख कुछ तो झगड़ा हो रहा था उधर। इट ऑलवेज यूज टू हैपन इन मुंबई, झगड़ा होता रहता है। ए देख के आया ना झगड़ा। एक चश्मा नहीं, दो चश्मा पहन के गया था। क्या दिखा तुझे? जूम ये देखो, जूम इन जूम आउट। दो चश्मा पहन के गया था, क्या हुआ था उधर? लड़ाई चल रहा था। वो मेरे को भी पता है, उतना नजदीक जाके क्या पता चला कौन लड़ रहा था। आई कुड सी। हेलो, यू कॉल कर रहे हैं? हेलो, ऑटेशन के पास किधर है तुम? दिखा नहीं। तो आप गए इसमें, बोल रहा था ना हमारा दो क्लोज फ्रेंड्स आने वाले हैं। क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बहुत दूर की रिलेटिव है। ये देखो, ये चुकाच सुहास द सुपरमैन, और ये है हर्ष द हरी मिर्ची मैन। क्योंकि हरी मिर्ची के बिना ये खाएगा नहीं। देखो टूटा है ना, बताओ देखो। और ये वैभव है, जाएंगे हम। ये हमारा दो गाड़ी है, ओके, उसका ओडिशा और मेरा पांडिचेरी, और हम दोनों किधर है? महाराष्ट्र। कितना अच्छा है, देख यूनिटी स्ट्रिंग। चलो जाते, बहुत टाइम हो गया। मैंने जोड़ ये, मेरे को नहीं पता, मेरे को नया वाला चाहिए, नया वाला चाहिए सारा। दो अभी जस्ट निकले हम यहाँ से, थाने स्टेशन से। थाने ईस्ट में हम 10:30 बजे आने को बोला तो 11:30 बजे, अभी तक 11:40 हो गया आई थिंक। सो कितना टाइम रे, टाइम क्या हो रहा है? अरे मोबाइल है ना तेरे पास? मोबाइल है ना, मोबाइल में देख। तो 11:50 हो गया, ज़बरदस्त। 11:30 भी नहीं, 11:50। प्रे गाइस हम जल्दी जाना है। एक्चुअली ना वो थैंक गॉड वो ऑल द ईयर थ्रू द ईयर वाटरफॉल विल बी देयर, सो दैट्स व्हाई गेटिंग एस्केप्ड। या तो इतना धूप में तो आई डोंट थिंक सो बारिश रहेगा बाकी वाटरफॉल्स में, क्योंकि प्रॉपर क्या बोलूँ, प्रॉपर मानसून सीजन और ये रेनी सीजन तो चालू नहीं हुआ इधर मुंबई में। मतलब धीरे धीरे है रेन, बट इट्स नॉट लाइक सफिशियंट वन। तुम जाओ और मेरे को भी जाने दो, थैंक यू अंकल। हाँ, कभी भी एक बार भी लाइफ में ऐसे नहीं गया, मतलब हाँ जो टाइम पे हमने डिसाइड किया उस टाइम पे हम चले गए। कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ, नॉट इवन जिंगल टाइम। कभी कभी मेरे वजह से होता है, कभी कभी दूसरे लोग की वजह से। इस बार मेरे वजह से 50 और उनके वजह से 50 खराब हो गया। अगर मैं जल्दी बोला होता तो वो लोग शायद 10:30 तक आ सकते थे। मैं 10:30 बोला इसलिए 11:50 निकल गए, उनको 9 बजे बोलना चाहिए था। ठीक है, उनका भी ट्रेन लेट हो गया, अभी कहाँ से एनीथिंग। गाड़ी साफ करना है गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया, वाटर वॉश करके 1 महीना हो गया। थैंक गॉड बारिश आया, उसके वजह से थोड़ा ऑटोमेटिक वाटर वॉश हो गया, या तो और गंदा दिखता था। कितना हुआ? 28.7 हुआ जब से हम निकले, 28.7 किलोमीटर्स अभी तक हुआ है। ऐसे देखो, अभी थाने जस्ट क्रॉस नहीं किया, मतलब थाने में ही हूँ, थाने से बाहर जा रहा हूँ। हमेशा ये इधर आए तो ट्रैफिक रहता ही है, देखो ना हमेशा। मेरा जो भी व्लॉग्स देखो, मैं इधर से गया होगा ना बहुत सारा जगह, मुंबई टू नासिक। हाँ, वो थोड़ा
व्यूज़ भी मेरा फर्स्ट वीडियो जो थोड़ा अच्छा व्यूज़ आया वो वही था मुंबई टू नासिक। तो उसमें भी देखो, वो वीडियो में भी देखो, ये रूट में कभी भी जाओ, किधर भी जाओ, ट्रैफिक रहता ही हमेशा। पर यूजुअली वो कल्याण का जो जंक्शन रहता है ना, मतलब जहाँ से राइट लेना वहाँ से राइट लिया तो कल्याण आएगा। अगर वो वाला राइट छोड़ा, अगर वो वाला क्रॉसिंग क्रॉस किया तो इतना ये नहीं रहेगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा। और ये नासिक वाला रोड है पर हम इससे हम नहीं जा रहे हैं। ये ना जवर करके, इफ एनी महाराष्ट्रियंस आर वॉचिंग दिस, तुम्ही कमेंट करा कोणीतरी आहे का जवर वरून, जवर माहिती आहे का? इफ यू नो जवर देन प्लीज डू कमेंट, बिकॉज आई विल बी हैप्पी। तो कोई है तो कमेंट करो गाइस, जवर से कोई है या अभी ये जो बोल रहा हूँ आई डोंट इवन नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली। उसको कल मंदवी वाटरफॉल्स बोलते हैं क्या, या काल मंदवी, आई डोंट नो, बट मैंने इंग्लिश में पढ़ा था गूगल मैप्स में कल मंदवी था, ये मैंने सर्च करके गया था। देखो इतना धूप है और अगर उधर पानी ठंडा ठंडा है और बहुत है तो आई विल बी सो मच हैप्पी। ये सफ़र सब सफ़र की सफ़र, मतलब हिंदी सफ़र की इंग्लिश सफ़र सब भूल जाएगा। आई डोंट नो इफ यू गाइस टू अंडरस्टैंड, मेरा थोड़ी ऐसा ही मिक्सिंग बुक्सिंग रहता है और थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यार अंकल वो तो क्लोज गए, अंकल ऊबर अंकल। हाँ गाइस, जस्ट नाउ भिवंडी क्रॉस किया, आई ऑडी ऑडी कार बोला, जस्ट नाउ भिवंडी क्रॉस किया। सिंस आई डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम हैविंग ए लोड ऑफ हंगरी, हंगरी के वजह से मेरा पेट कुरकुर कर रहा है, कुरकुर। सुहास ने मेरे पीछे बैठा और हर्ष के पीछे वैभव ने बैठा। ये देखो वैभव कुछ तो बात कर रहे थे। ओके बॉटल चाहिए मेरे को, दे दो। ऐसे लेना है गाइस, मैंने ले लिया उससे। अभी घर से अभी तक भी गेम एग्जैक्ट 57.9 किलोमीटर्स और बात करके और एक मीटर क्रॉस किया, 58 हो गया। अभी ये वाटरफॉल गया तो आई थिंक आफ्टर 1 ईयर आई एम गोइंग हियर, यस कुछ वाटरफॉल। और गाइस ये ब्लॉगिंग भी ना, ये मेरा कश्मीर ब्लॉगिंग देखे ना, उसके बाद इधर ही मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उससे पहले एक वीडियो डाला था पर वो ऑलरेडी मैंने कश्मीर के पहले मुरूद में जब गया था अभी निकाला हुआ वीडियो आ रहे। ये गाड़ी में टायर कितना है रे, तो भाई गाड़ 10-15 टायर है। एक ट्रक से हम टायर 50 ऑल्सो विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। एक्चुअली गाइस मैंने बहुत सारा राइड में गया था हैदराबाद के, आंध्रा बहुत बार गया था मैं टू व्हीलर से, और एक बार भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। वो 1000 किलोमीटर्स का है, मैं सोचा था इतना दूर जा रहा तो ब्लॉगिंग बना ले, बट आई डिडंट। गाइस बहुत भूख लग रहा है, लेट्स सी इफ वी कुड ईट समथिंग। हे गाइस टाइम हो रहा है अभी कितना, 1:44 दिख रहे क्या? एंड स्टिल वी हैव कुछ 46 है ना, यहाँ से ही 46 बराबर है, 46 किलोमीटर रिमेनिंग है और आई थिंक 3 बजे करीब वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी से घर से 93 किलोमीटर्स आए हैं, मतलब घर से, मतलब मैं घर से एग्जैक्ट चालू नहीं किया, वहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चालू किया था। ये वैभव को मतलब अच्छा नहीं लग रहा बैठ बैठ के, इसलिए वो बीच बीच में जानबूझ के रुका रहे हमको, हमारा ट्रिप को लेट कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं बोलूँगा, अच्छा बच्चा है वो सब। ये हर्ष ही है, चल हर्ष जाएंगे। अच्छा ये ब्रेकर नहीं दिखाई दिया मेरे को, जब तक दिखा था तो ब्रेक नहीं मार, एकदम चला मैं डरा कि भाई पकड़ के बैठा है तो ठीक है। ए तू ना उसकी गर्लफ्रेंड जैसा ऐसे ही पकड़ो, हाँ ठीक है, इसको सही से दिखाता नहीं रे, रास्ता नहीं दिखता इसको, ऑलरेडी खराब है उसका नज़र, खराब है। हाँ तो बस ना वह लोकर बस काय रे, तू भगत नहीं अजीबात। हाँ
कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल है, नजर नजर दिखना चाहिए। चलो गाइस विल गो। एक्चुअली यहाँ से मेरे को इधर जाना था, इधर से आए थे हम। आई शुड हैव कम हियर पर मैंने लेफ्ट मार के थोड़ा उधर गया। चले थोड़ा हम रुके उधर। ओ ये पीछे बैठा नहीं। ये पीछे बैठा। नहीं लेके जाना था ऐसा बोलो। तू पीछे क्यों नहीं बैठा रे? तू कहीं उतरा कब? तू तू उतरा कब रे? देखा था कब उतरा, फिर भी उतरा कब है वो? अरे बहुत कॉमेडी हो गया, मैंने देखा भी नहीं उस बैठा या नहीं। मैं भी कब नोटिस किया पता है क्या? ए गूगल मैप्स डाल बोलने आया था। ए किधर है, किधर इधर? अयो कॉमेडी। हाँ अभी तक एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स हुआ है। द थिंग इज वी आर स्लोली स्लोली एंटरिंग द poorest kind of areas actually. ये क्यों रखा है? वो है हर्ष और उसके पीछे है भाई बहुत। ये भाई वाह ये बहुत ग्रीन और अच्छा दिख रहा है ना। ऐसे वाला एक्चुअली कोकन में बहुत अच्छा था ऐसे ऐसे थोड़ा वो भी। ये देखो, ये तो इधर देखो कितना, मतलब स्प्रिंग सीजन में वह कैसे रहेगा वैसा है अभी। ये देखो इतना ड्राई ड्राई है, सूखा हुआ है, नो लीव्स इन द ट्रीज, बट कोकन इज रियली ऑसम गाइस, यू शुड विजिट। बहुत अच्छा है कोकन एरिया, महाराष्ट्र कोस्टल रीजन में है ना, बहुत अच्छा है। वो वीडियो देखे ना, रूट सब बहुत अच्छा है उधर। मतलब समर सीजन होके भी ना वहाँ पे बहुत ग्रीनी था। बट इधर आई थिंक आई शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग दैट मच। मेरे क्या बोलो, माई फियर इज़ दैट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू एंड समवेयर वेयर वी डोंट सी एनी वाटरफॉल्स। अकॉर्डिंग टू गूगल और जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से तो है वाटरफॉल, तो है पानी है। एक हफ्ता का पहले भी देखा मैंने, था उधर पानी, सडनली वो पानी सब नीचे चला गया, तो फिर आई विल बी सैडेंड। गाइस अभी जवर के लिए और 16 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। इंजन बहुत हीट है मेरे, आई कैन फील दैट। जब मैं लेफ्ट राइट मार रहा हूँ ना, इंजन के उधर से थोड़ा हवा लग रहा है। तभी मेरे को एक समझा, अगर मेरे को ही ऐसा है तो हमारा हर्ष भाई को कितना रहेगा, क्योंकि उसका 125 cc है, तो और ज़्यादा हीट आएगा स्पीड में चलाते रहते कंटिन्यूसली है। तो ऑलवेज हायर सीसी शुड टेक केयर ऑफ लोअर सीसी आल्सो। उसका 125 cc है, जस्ट बिकॉज हम जाते रहते, तो ऐसा नहीं है उन वो लोग भी जाते रहेंगे, तो उनकी गाड़ी को भी ज़रा रस्ट पाई जाए। हाँ ये रीजन अच्छा है, पूरा रोड्स भी देखे ना, थोड़ा कभी 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 है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो इतना बड़ा कर्व बनाया उधर सीधा जाने के बदले, दिस इज अ वन वे। आई डोंट नो व्हाई डिड दे मेड लाइक दैट, सीधा आ सकते था। इट्स ओके। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ स्टॉप करना है इसीलिए। गाड़ी इज गर्मिंग, सो बिफोर इट गेट्स टू गर्म ऑफ इंडिया वी विल स्टॉप ऑफ इंडिया एंड टेक रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके रेस्ट ऑफ इंडिया बोलने का ज़्यादा है, हमको घूमने को बहुत जगह बाकी है ना, जाएंगे जाएंगे। महाराष्ट्र में बहुत जो बहुत जगह जाए गया मैंने सोचा ही नहीं इतना जगह जाऊँगा मैं। उसमें से मैंने 50% भी नहीं, उससे कम ही ब्लॉग्स बनाए मैंने। ज़्यादा मतलब बिना ब्लॉग से ऐसे जाके आता हूँ ना, रील्स ना फोटो ज़्यादा कुछ डालता नहीं है। जवाब 13 रिमाइनिंग। जवाहर सिटी है ना, वहाँ से थोड़ा राइट मरने का रोड खराब है। हर्ष पीछे आ रहे हैं। हर्ष नहीं दिख रहा है,
ये आम चाहिए क्या? आई डोंट नो इफ इट वॉज आम और समथिंग, पर सिर्फ तीन ही था मैंगोज। मांगो मांगो, आई लव मैंगोज मैन, आई रियली लव मैंगोज। मैंगोज आर रियली रियली टेस्टी एंड यम्मी। मेरे को खाने को अच्छा लगता है, कुछ मैंगो फ्लेवर का आता है सम आइटम्स, बट उससे ज़्यादा मेरे को मैंगो फ्रूट ऐसे खाने से वो मेरे को, और बोलने में से मेरे को मुंह से पानी कमिंग। हाँ पानी आ रही है, ट्राइंग टू स्टॉप दैट। नो नो ओके, लेट्स डोंट थिंक अबाउट मैंगोज। हैं ठीक है, अभी तो बारिश के सीज़न, सॉरी बारिश के सीज़न चालू हो रहा है, ये इसका सीज़न तो ख़त्म हो गया, ख़त्म पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे ख़त्म हो ही। समर सीज़न, समर सीज़न में मैंगो ज़्यादा मिलेगा ना। हैं थोड़ा रुकेंगे इस, या क्योंकि इंजन हीट हो रहा है, इंजन हीट हो रहा है और हमारा बैक भी हो रहा है, ह्यूमन से ना होता है, एक ही जगह पे बैठे रहते तो सीट भी गर्म करेगा, कुर्सी भी गर्म करेगा, जहाँ भी बैठेगा। तो इतना गोरे क्यों हो रहे? रेड रेड हो गया, देखो ना उसका रेड रेड हो गया भाई। भैया ऐसा था, लाल या क्या? रूम से निकला था तो ऐसा था पूरा। वाव देखो, अभी देखो सेक्सी आर्म्स, सेक्सी आर्म्स छोड़ो, सेक्सी आर्म्स छोड़ो, इसका मतलब वो है सेक्सी, ये मान रहे तो ऐसा चाहिए। वेरी गुड मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा सेल्फ होना चाहिए। गाइस एक्चुअली यहाँ पे ना सिर्फ मैं देखने के लिए आया था, मैप्स कहाँ पे कहाँ किस तरफ जाना है। इधर ही एक हॉल्ट बना दिया, आई डोंट लाइक दिस, इट्स ओके, गिव मी वाटर मैन, पानी पी लेता हूँ, मोटो व्लॉगिंग करके पानी नहीं पी सकते मेरे को। हाँ एक मिनट, तो ऐसे ही सेड यू गाइस, हायर सीसी बाइक्स शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ लोअर सीसी बाइक्स, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो थोड़े टाइम के बाद कूल होना चाहिए। मेरा बहुत ही गर्म है, बीच जैसे इधर पैर रखेंगे यू कैन फील दैट, और चलाते वक्त तो बहुत ही दिखा रहा था। अभी इसका देखो, ये तो 125 सीसी है, कैन सी 125 सीसी है, तो इसका और बहुत जल्दी गर्म होगा, तो वी शुड टेक रेस्ट। अब इसको एक बिस्किट पैकेट लेने बोला, चिमचम लेने बोलेगा तो और कुछ लेके आया। जो मैं बोलता कभी सुनता नहीं है क्या रे? हैं आराम से हिला हिला के आता है ये, क्या व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हाँ गाइस फाइनली वी केम, आपको दिख रहेगा पता नहीं, कारमांडवी धाब धबा, धब धबा मतलब क्या है रे? धब धबा, धब धबा मतलब मीनिंग क्या है? वाटरफॉल। हाँ मराठी में सार वे जाने के। देखो बहुत लोग, ये सब लोग राइडिंग जैकेट पहन के जा रहे हैं, मैं राइडिंग जैकेट पहन के नहीं आया क्योंकि बहुत ये है ना। हे तेरे को आना नहीं है क्या? इसको हमेशा कैमरा के सामने आना है। हाँ वेलकम टू योर हॉस्टल, ये हॉस्टल है क्या तेरा? चल ये ना लौक, बाइक चलाता हूँ, पैदल जाऊँगा इधर से कितने किलोमीटर बचा है। ये बहुत अच्छा चल रहा था रे वो। गाइस गोप्रो का ये भी ख़त्म हो गया, बैटरी भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ तक एक्चुअली अभी अंदर जाना है, और यहाँ से 138 किलोमीटर्स है आई थिंक, और जाते जाते 140 ऊपर हो जाएगा, बट इट इज़ ओके नाउ ऑल्सो, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी कूल हियर। इतने देखो 2 बजे सन में भी, मतलब धूप में भी, वाह सो मच ऑफ विंड, आई होप यू गाइस कूड हियर दैट विंड। हे बैठ रे, जय 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 जय, ट्रैफिक करता है इधर। हाँ इतना छोटा रोड है देखो, कितना छोटा है, ओ माय गॉड, ऐसे वाला छोटा रोड्स में बहुत मज़ा आता है मेरे को, एटलीस्ट फॉर मी। हाँ हमेशा तो हम बड़े बड़े रोड्स में चलाते हैं, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे रोड्स में चलाना है तो अच्छा लगता है, नॉट एवरी टाइम। पीपल दोज हु रिसाइड हियर दे मे हेट दिस रोड्स बिकॉज ये बहुत छोटा है, जगह नहीं है, गाड़ी नहीं जाएगा, वो तो ट्रूथ है। बड़ा बड़ा कार आ, बड़ा बड़ा व्हीकल आए तो आ भी नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल यार, पर वो वाटर फॉल के क्या करेगा। अरे यार बहुत खड़ा है उधर गाड़ी है, उधर दिख रहा है क्या? बहुत गाड़ी है, खड़ा है। यस नाउ आई कैन नो,
लच्ची पानी है क्या है नहीं खूब सो पानी रहेगा भाई साहब। ये जबरदस्त भाव कूल रोड बहुत अच्छा रोड चालू हुआ है बेस्ट रोड सब इंडिया। फिर थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करना मनता है गाइस समझा ना। ऑफ रोडिंग किया तो थोड़ा हेल्थ को अच्छा ही। सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम दी वाटरफॉल। मैं थोड़ा ज़्यादा अंदर आ गया क्या? सब लोग गाड़ी इधर पार किया और मैं अंदर जाते रहता हूँ कि सीधा वाटरफॉल में गिरेगा क्या? आई डोंट नो लेट्स से नहीं बहुत लोग है अंदर भी है ही दे आर कमिंग। अरे यार ये जगह किसी को नहीं पता है तो इतने लोग आ रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है ये सब एक टीम पे है। कोई भी हेलमेट नहीं पहना तो सब लोकल वाले है सब लोकल वाले है। अगर हेलमेट ना ही पहना तो लोकल वाले रहेगा। मुंबई की मतलब अगर बाहर से आए तो मोस्टली मुंबई से आते थे मुंबई और नासिक क्योंकि वो दोनों थोड़ा इधर का नज़दीक है। अरे ऊपर कैसे गए ये लोग भाई पार्किंग तो क्या इधर से जंप मार के गए क्या? ओके देर से लेफ्ट ओवर देर हाँ ठीक है इधर पार्किंग है इधर ही पार्किंग है इधर ही पेड़ है हाँ बहुत सारा गाड़ी है इधर। इसका मतलब देर आर सो मेनी पीपल वेटिंग हियर। चल आई थिंक वाइबो को चलाने देखो अभी हर्ष चला रहे देख बोला ना मैंने बहुत अच्छा ड्राइवर है वाइबिया। गाइस फाइनली आ गए हम सो ये पार्किंग एरिया है यहाँ से पार्क करके और बाइक्स आर देयर इट टू 20 रुपीज़ पर बाइक। अभी वी आर गोइंग डाउन दिस इज फर्स्ट टाइम है ना जास्ता लाम नहीं है ना लाम नहीं है ना ओके समवेयर ओवर हियर डाउन लोग जा रहे हैं और हम आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे यार सब लोग हो गए क्या कभी पर दसनार सहा पाँच सहा वो 6 बजे तक रहेगा। ओके अभी वी आर गोइंग डाउन देखो ऑलरेडी मेरा पैर है ना कल फुटबॉल खेलते वक्त थोड़ा ख़राब हो गया इसकी वजह से इनकी चाल थोड़ी सेक्सी कितना भी यस डू वांट टू कम क्या 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 ऑफ कोर्स ओके थैंक यू फॉर वार्निंग है बोलते बोलते गिर गया ये ए केयरफुल हाँ अभी उन्होंने बोला सी इन्होंने अच्छा वार्निंग दिया अच्छा भैया उन्होंने बोलते बोलते गिर गया ही फेल 3 times हाँ वाइल गोइंग डाउन सो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल तो आप भी आए तो थोड़ा केयरफुल जाओ और मेरा तो बहुत ग्रिप हो बहुत अगर आपको बीच में कभी भी लगे ये क्या रे ऐसे बैठ के जाना है दिस इज द निंजा टेक्निक भाई वो कैसे जाएगा रे नीचे इधर खराब नहीं करने का रास्ता बाथरूम है उधर ठीक है मेरा हाथ पकड़ चल चप्पल निकाल के चलना पड़ेगा चल मेरे हाथ पकड़ मेरे को गिरवा देगा अगर कैमरा बीच में शेक हो तो समझ लेना अगर ना कैमरा आसमान को देखा तो समझो मैं भी ऊपर गया चला जा आ जा रे तू कर क्या रहे तू इधर अरे स्लीपरी है चलो अरे यहाँ से आ जाना बीच अरे आ जाना ठीक है तू यहाँ से ज्यादा खींच लेगा मेरा कंटेंट मत बना रहे तो कर क्या रहे तो अरे उठ रहे ये फॉर्मल पहनते रहे ये अरे उठ जा अयो अरे देखो इतना एक अच्छा कैंडिडेट आया हमारे पास दौड़ मत रुकना यो कुछ भी करता है रे
सी ही कूडंट वॉक प्रॉपरली. वो स्लीपर में उसका उतना डर था क्योंकि एक बार गिर गया वो, इसीलिए वहाँ पे पानी दिख रहा है क्या? यहाँ से कैमरा में तो कुछ दिखता नहीं है. विल गो डायरेक्टली एंड सी गाइस. एक अच्छा न्यूज़ क्या है तो सब लोग वेट वेट आ रहे हैं, इसका मतलब पानी है उधर. एंड एवरी वन कैन टेक बात, इट्स नॉट लाइक रिस्की है, डेंजर ये वी कान गो, ऐसा कुछ नहीं है. ये रास्ता ही अच्छा है. कहाँ रे? हाँ हीरो लुक देता है. आर वी गोइंग द राइट डायरेक्शन? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. बट ये इधर ही आए थे रे. सीरियसली? हाँ दो तीन लोग इधर ही आए थे. डोंट वरी. हाँ चलो उधर जाके मिलते हैं अभी. वाह आई डोंट थिंक दैट पीपल. अरे फॉल तो उधर है ना. गाइस फाइनली वी केम हियर. तो ये था हमारा कल मंदवी वाटरफॉल्स. पूरा ग्रीन है उस तरफ है ना. हाँ मैं जूम करके दिखाने नहीं जाता हूँ. अच्छा है ना, पीपल आर एंजॉयिंग एंड टेकिंग फोटो. एक्चुअली संडे इसके वजह से भीड़ ज़्यादा है, या तो इतना नहीं होगा. चलो चलो जबरदस्त. वाह देखो कितना लोग कर रहे. देखो बस मैं भी किया था अभी. अभी हर्ष नहीं कर रहे, हर्ष के लिए रुक रहे. देखो कुछ भी नहीं किया. क्यों रे कुछ नहीं किया? थोड़ा डीप आपको जो दिख रहा है ना उसमें, ये बहुत डीप है. ये पुण्य क्षेत्र नहीं है. सर में डाल के हो गया बेट. काशी में नहीं आया. चलो चलो जबरदस्त. कोई लोग जैकेट पहन के है. फाइनली सब कुछ हो गया. उड़ी उड़ी मार लिया. सब कुछ हो गया. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना हम एंजॉय करेंगे, बट इट वॉज मोर देन गुड. देखो कितना अच्छा व्यू है. देखो यू शुड कम. सब लोग आना चाहिए इधर क्योंकि ना ये सब टाइम है, लाइक ऑल द 12 मंथ्स इज देयर. तो इट वॉज ट्रू जो मैंने देखा था गूगल में. तो लिसन गाइस सब लोग एंजॉय कर. We also enjoyed a lot. Hope we'll meet in next vlog with something new possible. Okay? Bye guys. Bye bye guys. I'll end with this beautiful vlog now. Bye bye. Oh, subscribe.